जिला सिंगारेड्डी जहराबाद शांति नगर में मोहम्मद अकबर अल-दीन के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अकबर अल-दीन ने कहा कि वजीर आला के CR, वजीर खजाना सेहत वजीर जनाब टी हरीश राव और जनाब MP BB पाटल और जहीराबाद के MLA जनाब के मानिक राव, चेयरमैन TSIDC मोहम्मद तनवीर वाई नारुथम, DRUCC रेलवे के रुकन शेख फारी, जहराबाद BRS पार्टी टाउन के सदर सैयद मुही अल-दीन सौबी का मोहम्मद अकबर अल-दीन ने तहदिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मौजूद मोहम्मद मौलाना कमान पट्टे मैकेनिक, शेख चुनू ड्राइवर, अजहर अल-दीन, मोहम्मद अली, अब्दुल कदीर, अब्दुल सत्तार, कलीम अल-दीन एम्बुलेंस, रसूल पटेल, आसिफ भाई स्टार, मोहम्मद समद और दीगर अफराद भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले खासकर मीडिया का और तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस वक्त मौजूदा दौर में जो BRS पार्टी की कारकर्दगी है, तरक्याती स्कीम है और ख़ासकर माइनॉरिटीज के लिए जो एक के बाद दिगर स्कीम लाते जा रहे हैं और पार्टी की जानिब से जो कुछ वादे किए जा रहे हैं वो उसको मुकम्मल निभाए जाने पर आज आवाम बहुत खुश होते हुए हम खासकर KCR साहब का, KTR साहब का और हरीश राव साहब का, DU पाटिल साहब का, मानिक राव साहब का और शेख फरीद साहब, मोहिउद्दीन साहब और ऐसे ही हमारे वार्ड्स में जो जिम्मेदार है काउंसलर्स है, वार्ड नंबर 9 में अब्दुल्ला भाई और पार्टी लीडर BRS पार्टी के बहुत नामवर लीडर मोहम्मद अलीमुद्दीन, इन तमामों की मेहनत को देखते हुए हम 20 साल कदीम हमारी पार्टी को छोड़कर BRS ज्वाइन करने का इरादा करते हुए 18 अगस्त 2023 को जुमा के दिन प्रगति भवन पहुंचकर जनाब तनवीर साहब की क़यादत में और हरीश राव साहब के हाथों से पूरे जोश और खरोश के साथ 8 नंबर और 9 नंबर हलके से तकरीबन 200 अफराद पर मुश्तमिल काफिला 28 गाड़ियों पर मैं पहुंचा, जिसमें नौजवान और बड़े हजरात और सभी का शामिल थे और उसमें खास कर हमारे जो नौजवानों की जो मेहनत रही, इन तमाम नौजवानों का नाम इस वक्त मीडिया के सामने लेने से मैं खासिर हूँ। मुख्तसर मैं ये बोलना चाहता हूँ, उसमें हमारे साथ में जहाँ शेख चुन्नू भाई थे और मोहम्मद आसिफ भाई, अब्दुल कदीर भाई और कलीमुद्दीन भाई, अजहरुद्दीन भाई, शेख अतीक और रसूल पटेल साहब और बहुत सारे मोहम्मद अली साहब बेकरी वाले, अब्दुल सत्तार भाई शखापुर के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे तकरीबन 200 से ज्यादा हजरात जो बड़े भी थे, बच्चे भी थे, नौजवान बच्चे भी थे, ये तमाम प्रगति भवन पहुंचकर और इतने जोश और खरोश से पहुंचे, जैसे ही BRS पार्टी के तमाम स्कीम, खासकर ये जो इस वक्त माइनॉरिटीज के लिए 1 लाख का लोन का जो स्कीम आई, उससे पहले हरीश राव साहब ने जो तनवीर साहब को इंडस्ट्री चेयरमैन का जो ऐलान किया, हमको यकीन हो गया है कि BRS पार्टी जो वादा करती है वो निभाती है। इन तमाम खुशियों के साथ सबसे बड़ी खुशी तो ये है हमको कि 10 साल दौर के अंदर तकरीबन करीब करीब 10 साल होने को आ गए हैं, हमारे तेलंगाना के अंदर आज तक कोई फिरका वाराना फसाद नहीं हुए और गंगा जमनी जो तहजीब है वो हमारे पास बरकरार है। आज सारे हिंदुस्तान पे हमें फख्र है कि हमारा जो स्टेट है तेलंगाना स्टेट ऐसा तरक्की कर रहा है कि उसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान के अंदर दी जा सकती है और यहाँ पर
जो तहजीब है गंगा जमनी तहजीब, इसकी मिसाल भी पूरे हिंदुस्तान में दी जा सकती है। जिस वक्त हम हमारे पड़ोसी स्टेटों को देखते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है कि वहां पर बार बार बोलेसो हिंदू मुस्लिम के फसाद कराया जाता है और बार बार बोलेसो आपस में बांटने का काम किया जाता है, कभी इसको नीचे कभी उसको नीचे बताया जाता है। लेकिन हमारे स्टेट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब मिलकर भाईचारगी के साथ रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के गम और खुशी में शामिल होते हैं। और जिस वक्त हमारा काफिला प्रगति भवन से वापस हुआ, अजीब मंजर हमको शांतिनगर के अंदर देखने को मिला। ऐसा मंजर था कि तमाम खवातीन खुश थे कि क्योंकि जो वजाइफ है विवाहों के बड़ी उम्र के औरतों के जो कंटिन्यू पहुंच रहे हैं उनके अंदर तकरीबन ऐसे घराने हैं जो वाकई जरूरतमंद है। अब और हमारी डीआरएस गवर्नमेंट उसको बढ़ाकर 3000 की जो स्कीम लेके आई है तो आने वाले नौजवानों का बड़ों का बुड्ढों का जो खवातीन इस्तकबाल किया, ऐसा महसूस हो रहा था कि 2023 का जो इलेक्शन है हमारा विन हो गया, 2000 जो आने वाला इलेक्शन है वो विन हो गई डीआरएस और भारी अक्सरत से इंशाल्लाह कामयाबी होंगी और ऐसी कामयाबी होंगी कि पूरा हिंदुस्तान देखते रह जाएगा कि जितने सीटें अभी सकत है उससे ज्यादा सीटों से हम डीआरएस हुकूमत बनाएंगे। और हम वादा करते हैं कि खासकर हमारे काम से जो है जहराबाद हल्का असेंबली के अंदर ऐसी अक्सरियत से डीआरएस को हम कामयाब करेंगे कि पूरा तेलंगाना देखते रह जाएंगे हमारी मेहनतों को और हमारे खुशी का इजहार करने के तरीके को। इतनी बात कहकर फिर एक बार गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह अब तक आप माइनॉरिटीज को ख्याल करते आए हैं, आगे भी माइनॉरिटीज का ज्यादा से ज्यादा ख्याल कीजिए। खासकर हमारा जो हलका है शांतिनगर का हलका, जहां पर अब्दुल्ला भाई अलीम भाई जो मेहनतें कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि और ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो दिया जाए क्योंकि यह गरीब बस्ती है और ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटीज यहाँ पर रहते हैं। जैसा कि प्रगति भवन में हरीशराव साहब के सामने मैं बताया था कि यहाँ के एमएलए हो या कोई और सीट हो, जीतना है तो शांतिनगर पर मुनासिब होता है, जीत हार के जिम्मेदार हम लोग रहते हैं। अब तक जितने भी आजादी के बाद से इलेक्शन हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, पहले आंध्र प्रदेश के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर, हम तारीख हमेशा कायम रखे हैं। यहाँ से जो जिस तरफ झुकाव होता है, जिस तरफ रुझान होता है, वही पार्टी जीतती है हमारे हल्के असेंबली में, क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी अक्सरियत अखिलियतों की रहती है। आप खासकर हमारे हल्के का हमारे एरिया का ख्याल कीजिए। हम ये दरख्वास्त करते हैं बीआरएस पार्टी से, हरीश राव साहब से, मानिक राव साहब से और शेख फरीद साहब से, बीजी पाटिल साहब से, और हम इन लोगों से बहुत खुश हैं। इस खुशी का इजहार इस तरह करें कि 28 गाड़ियों को लेकर हम प्रगति भवन पहुंचकर 20 साल कांग्रेस को छोड़ के, जो 20 साल से हम कांग्रेस में थे उसको छोड़कर आज बीआरएस ज्वाइन किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा बोले सो और साथियों को भी बीआरएस में ज्वाइन कराएंगे। और यहाँ का बहुत जो काफी हरकती खाइद है हमारे साथ में, बासित भाई भी बहुत कोशिश करे क्योंकि उनको अंदाजा था कि अकबर भाई के जो ताल्लुकात है जमीयत से जुड़े हुए हैं और कई ऐसे तंजीमें हैं जो फलाही काम करती है, इंसानों की फलाही बहबूद के काम करती है। इंशाल्लाह बीआरएस पार्टी को हम भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करेंगे और हमारे महले के और भी नौजवान बड़े हजरात है इंशाल्लाह अनकरीब कांग्रेस छोड़कर बीआरएस में ज्वाइन कराएंगे। यही हमारी ख्वाहिश है। हम मीडिया से यही दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग हमारा भरपूर दावन करते जाए, हम आप लोगों के साथ है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट आपको भी जिस तरह मकानात की स्कीम दी है, आगे भी जो भी स्कीम आता है आपको भी हम करने लगाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो है सो बीआरएस कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीआरएस पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ। अकबर साहब की जो जस्तजु है, अकबर साहब और मोहम्मद, मैं मौलाना बोल रहा हूँ, अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब के फरदर मोहम्मद तनवीर साहब को जो हरीश साहब ने
जो ओहदा दिया है, हम हरीश्वर साहब के बहुत शुक्रगुजार है और ऐसे ही हरीश्वर साहब आगे बढ़ाए और जो है सो खुश बीआरएस पार्टी से खुश होकर जो है सो आज इतने जहराबाद की आवाम जो है सो इतनी बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। जैसा कि शांति नगर है, मोमिन मेला है, रामनगर है, जैसे और दिगर महिलाओं के भी हमारा साथ दिए है। जो 18 तारीख को हम जो जाके प्रगति भवन में जो जाके हम जो खंडवा डाले है और हम उस पे बहुत खुश खुश खुशो खुर्रम है हम।